और चलिए कोरोना को लेकर WHO की बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। WHO ने भी माना कोरोना का वायरस हवा से फैल सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना हवा से फैल सकता है। WHO ने भी अब मान लिया है एरोसोल के जरिए दूर तक ये वायरस जा सकता है। तेज फैलती महामारी की वजह हवा बताई है WHO ने। तो देखिए लगातार जो नए नए खुलासे हो रहे थे और उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये था कि पहले क्योंकि ये माना जाता था कि छूने से ये जो संक्रमण है वो फैलता है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो ये कि हवा से कोरोना फैलता है और इसको WHO ने भी अब मान लिया है। बिल्कुल। तो देखिए कोरोना को दुनिया में आतंक मचाते हुए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है और तीसरी लहर के सितंबर तक आने की बात कही जा रही है, लेकिन कोरोना के बारे में अब तक एक भी पुख्ता रिपोर्ट, दावा या सबूत सामने नहीं आए हैं। पहली लहर में कहा गया कोरोना सतह के जरिए फैलता है, अब दूसरी लहर में ही कहा जा रहा है कि कोरोना हवा के जरिए फैल रहा है, लेकिन हवा के जरिए संक्रमण का दावा कोई नहीं कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना सतह के जरिए फैलता है, कोरोना हवा के जरिए फैलता है। कोरोना हवा और सतह दोनों के जरिए फैलता है। कोई नहीं जानता, कोई दावा भी नहीं करता, लेकिन आकलन सब लगा लेते हैं। हर एक्सपर्ट की अपनी स्टडी है, लेकिन पुख्ता तौर पर दावा किसी का नहीं। कोरोना नामक रहस्यमयी महामारी के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस ना के बराबर जानता है। अगर जानता होता तो अब तक इलाज की दवाइयां इजाद कर ली गई होती। पहली लहर में एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी तरह के संपर्क में आने से ही होता है। कुछ वैज्ञानिक तो सबूत के आधार पर दावा कर रहे थे कि कोरोना सतह के जरिए फैलता है। यही वजह थी कि WHO ने COVID-19 की बीमारी से बचाव के लिए मुख्य तौर पर हाथ धोने की सलाह दी थी। अब कोरोना की दूसरी लहर में वही एक्सपर्ट अनुमान लगाने लगे हैं कि क्या खास परिस्थितियों में कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या फिर सांस छोड़ रहे होते हैं तो सूक्ष्म कणों के जरिए भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। एक्सपर्ट का क्या कहना है कि अगर कोरोना के हवा से फैलने की पुष्टि हो जाती है तो सुरक्षा उपाय बदल जाएंगे। हवा से संक्रमण तब होता है जब हम सांस के जरिए बैक्टीरिया या वायरस लेते हैं। ये बैक्टीरिया या वायरस हवा में तैर रहे सूक्ष्म कणों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। ये सूक्ष्म कण घंटों तक हवा में रह सकते हैं। कफ की छोटी छोटी बूंदे बड़े इलाके तक फैल सकती है। टीवी, फ्लू, निमोनिया हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों के उदाहरण हैं। कोरोना की दूसरी लहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये माना है कि इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए हो सकता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कृत्रिम रूप से जब हवा में कोरोना वायरस का छिड़काव किया गया तो ये पाया गया कि कोरोना वायरस 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये प्रयोग लेबोरेटरी के नियंत्रण माहौल में किया गया था, असल जिंदगी में नतीजे अलग हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एयर कंडीशन से वायरस और ज्यादा फैलाएगा। कोई बीमारी जिस तरह से फैलती है उससे ये तय होता है कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की और से जारी की गई मौजूदा गाइडलाइंस के तहत गुनगुने पानी में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई है। इसके अलावा WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी है।
लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का अब ये कहना है कि इन एहतियातन उपायों की अपनी अहमियत है, लेकिन हवा से संक्रमण के फैलने की सूरत में ये नाकाफी होंगे। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये भी कहा है कि वो कोई फैसला लेने से पहले और सबूतों की जांच करेगा। तो जब तक इस बात पर रिसर्च चल रही है कि कोरोना कैसे फैलता है, तब तक बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मास्क ही आपकी पहली ढाल है, इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा मास्क लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कोरोना वायरस के बाद एक और बीमारी है जिससे लोग ग्रसित हो रहे हैं। ये बीमारी ब्लैक फंगस है, जो पहले भी लोगों को होती रही है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए लोगों में होने पर ये उनकी मौत का भी कारण बन सकती है। ये बीमारी कोरोना से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजस्थान के जयपुर के साथ साथ दिल्ली में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ब्लैक फंगस ये बीमारी, इस बीमारी में कोरोना से 50 गुना ज्यादा मृत्यु दर है और कहीं ना कहीं ये काफी खतरनाक है। पहले से बीमार लोगों में सबसे ज्यादा खतरा इस बीमारी की वजह से। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी मामले मिले हैं। कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है और जब जब रूप बदल रहा है तब तब और खतरनाक होता जा रहा है। इसीलिए दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को और खतरनाक बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच में कोरोना से भी बड़ी एक बीमारी देखने को मिल रही है। जो लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं उनमें से कुछ के भीतर एक काली बीमारी जन्म ले रही है। ऐसी बीमारी जो कोरोना से भी खतरनाक साबित हो रही है, नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, आसान शब्दों में कहें ब्लैक फंगस। कोरोना से बड़ा खतरा काली बीमारी। कोरोना से बचे, काली बीमारी बनी मौत। कोरोना से लड़कर जो जीत जा रहे हैं वो अगर इस काली बीमारी की चपेट में आते हैं तो उनके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये काली बीमारी यानी ब्लैक फंगस पहले से कुछ खास बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए काल है, जिसमें शामिल हैं वे लोग जिनकी कीमोथेरेपी हो चुकी है, अनियंत्रित डायबिटीज के शिकार हैं, किसी तरह का ट्रांसप्लांट कराया है, पहले से बीमार बुजुर्ग हैं, आईसीयू में भर्ती मरीज को हो सकता है। कोरोना से 50 गुना ज्यादा खतरा है, हर दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाती है। समझिए कि ब्लैक फंगस एक फफूंदी है और वो शरीर में कहीं जा सकता है, चमड़ी से लेकर हड्डी तक, खून से लेकर दिमाग तक जा सकता है। जानकार मानते हैं कि ये बीमारी हमारे बीच में पहले से है और बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन जिनको होती है उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, नाक और जबड़े की हड्डी जा सकती है, दिमाग में जाने पर जान भी जा सकती है। डायबिटीज से ग्रसित मरीजों में कोरोना से ठीक होने के बाद ये बहुत बड़ा खतरा है, जो शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर को अपनी खुराक बनाता है और साथ में ही ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन कोरोना मरीजों को दिया जाता है, उसे भी अपना भोजन बनाकर बढ़ता है। ज्यादा ऑक्सीजन जान के दुश्मन, ऑक्सीजन बचाएगी भी फंसाएगी भी। ये ऑक्सीजन कोरोना के मरीजों को मौत के मुंह में जाने से बचा तो रही है, साथ ही डॉक्टर्स स्टेरॉयड की मदद से भी कोरोना के मरीजों को बचा रहे हैं, लेकिन यही स्टेरॉयड और ऐसी ही ऑक्सीजन बाद में जान के दुश्मन बन जा रही है। इनकी वजह से ठीक हुए लोग ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ जा रहे हैं। इसमें आंख के नीचे फंगस जमा होता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में खून का प्रवाह बंद हो जाता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, कई बार आंखों की रोशनी गंवानी पड़ती है। वैसे ये कोरोना से ठीक हुए हर एक व्यक्ति में नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ ही लोगों में ऐसी बीमारी देखने को मिली है। ऐसे लोग जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है उनमें ब्लैक फंगस बीमारी फैल रही है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय भी ताकीद कर रहा है कि कोरोना के इलाज में स्टेरॉयड के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं। जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए। रैशनल यूज होना चाहिए, स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज होना चाहिए। जाहिर है डायबिटीज के रोगी शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो इस बीमारी से बचे रहेंगे। इसके लक्षणों के बारे में जान लीजिए। ब्लैक फंगस की बीमारी में पहले चेहरे में दर्द होता है, चेहरे पर सूजन हो जाता है, सिर दर्द और साइनस की समस्या होती है, आंखों में दर्द होता है, आंखों की रोशनी में कमी, मुंह के ऊपरी हिस्से में काले धब्बे हो जाते हैं। ये वो लक्षण हैं जिनसे जाना जा सकता है कि ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है। इस बीमारी से ग्रसित 20-30% मरीजों में देखा गया है कि उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजस्थान के जयपुर के साथ ही दिल्ली में इन मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जगह जगह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के बाद कई अन्य बीमारियों की बात भी सामने आ रही है। और इसी तरह हर बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।